एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत कर रही है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन इज इन फिगर 6.19, ठीक है, इन्होंने फिगर नंबर 6.19 को रेफर किया है। डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये आपका फिगर है 6.19, इसमें आपका डी ई ए सी के पैरेलल है। ये आपका जो डी ई है, ये डी ई, ये आपका ए सी के पैरेलल है, एंड डी एफ है आपका ये ए ई के पैरेलल है। तो आपको बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई को इक्वल प्रूफ करना है बी ई बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपका इसमें डी ई पैरेलल ए सी गिवन है। ठीक है, तो आप एक वो वाला ट्राइंगल लेंगे हम, जिसमें हमें डी ई और ए सी मिल जाए। ठीक है, अब डी ई एंड ए सी देखें आप, डी ई एंड ए सी, डी ई एंड ए सी दोनों आपके इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल बी ए सी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल बी ए सी का एक अलग से फिगर ड्रॉ कर लिया, मैंने छोटा सा एक अलग से फिगर ड्रॉ किया है ट्राइंगल बी ए सी का, या ए बी सी बोल सकते हैं आप इसे, ए बी सी का, और इसमें मैंने डी ई भी ड्रॉ किए। ठीक है, अब आप ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, डी ई ए सी के पैरेलल है। ठीक है, तो बाई बी पी टी थ्योरम बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, सेम आपका डी एफ पैरेलल है ए ई, डी एफ पैरेलल है ए ई, तो अब हम वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें आपका डी एफ एंड ए ई आ रहा है, डी एफ ए ई, ये आपका ए बी ई ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ए बी ई ट्राइंगल का एक अलग से फिगर ड्रॉ किया, ए बी ई, और यहाँ पे आपका ये डी एफ। ठीक है, ये वाला, अब इसमें आप देखिए, आपका ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी ई ट्राइंगल में, सॉरी ए बी ई ट्राइंगल में जो आपका डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, तो बाई सो बाई बी पी टी थ्योरम आपका बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा बी एफ अपॉन ई एफ के। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, तो पहले हम इस वाले ट्राइंगल में, देन इस वाले ट्राइंगल में हम बी पी टी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ए बी सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपका गिवन क्या है, डी ई पैरेलल ए सी, जब आपका डी ई पैरेलल है ए सी के, तो बाय बी पी टी थ्योरम आप चाहे ए डी अपॉन बी डी लें, चाहे आप बी डी अपॉन ए डी लें, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, जब आपने इधर बी डी अपॉन ए डी लिया है, बी डी आपने पहले लिया, तो आप इधर से आपको बी ई पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ई सी या सी ई एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, और इसको हमने नॉमिनेट किया क्वेश्चन फर्स्ट से। ठीक है, अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इसमें आपका डी एफ एंड ए ई आ रहा है, डी एफ एंड ए ई, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ए बी ई। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है, तो बी पी टी थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। देखो, इस साइड पे आपने इस वर्टेक्स से शुरू किया है ना, तो सेम इसमें हम इधर वर्टेक्स से स्टार्टिंग करेंगे, तो आपका बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा बी एफ अपॉन ई एफ या एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इक्वेशन ये भी आपका बाई सी पी सी टी बाई सॉरी बाई बी पी टी, बाई बी पी टी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए,
आपका बी डी अपॉन ए डी एंड बी डी अपॉन ए डी कॉमन है दोनों में, ठीक है। आपका बी ई अपॉन ई सी बी डी अपॉन ए डी के इक्वल है, और आपका बी एफ अपॉन एफ ई भी बी डी अपॉन ए डी के इक्वल है। तो आपका बी ई अपॉन ए सी एंड बी एफ अपॉन एफ ई भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, बी ई अपॉन ई सी इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। और यही देखो मैं प्रूफ करा रहा था, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी, बट आपके आगे पीछे हैं तो आप नेक्स्ट लाइन को चेंज करके लिख लीजिए, आपका सेम प्रूफ हो जाएगा। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है। अब आपके सेम प्रूफ हो गया, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। We'll be right back.